गौतम बुद्ध ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, और देखा गया है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो कार्य किए या मतलब जो उनकी जो विचार शैली थी और देशों ने अपनाया, वो देश बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर जन्मे और सारा काम किया और आज भारतवर्ष से लुप्त होते जा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ इसमें कहना चाहूँगी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी ईगो को गर्व नहीं कर पा रहे। ईगो जहाँ ईगो है वहाँ आप आगे नहीं बढ़ पाते। जो दुनिया और जो देश गौतम बुद्ध के विचारों को आगे लेके जाती है वो एक्चुअली अपनी ईगो को कंट्रोल करती है। अब देखिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो भंते और वो मतलब मॉन्क्स बनने की ज़रूरत है, बट बहुत सिंपल एक चीज़ होती है कि जब हम अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सकें, दैट इज़ दी ओनली वे वी कैन प्रोग्रेस फर्दर। अगर हम वो ही नहीं कर सकते तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर, 5 साल पहले भी खड़े थे, आज भी यहीं खड़े हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैडम देखा गया है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं वो कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं कह रहा हूँ कि आज वो एसी तक ही सीमित रह गए। उन्होंने धर्म प्रचार करने की कोशिश नहीं की जैसे और धर्म है, और उनको सरकार भी ऐड देती है और हमारे और जो है और भी अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे धर्म गुरु ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मैं अगर सच्ची बोलूँ तो आई थिंक आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बुद्धिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट डज़ नॉट टीच यू टू ड्रेस अ सर्टन वे, इट डजेंट टीच यू अनलेस यू आर अ मॉन्क, वो तो अलग होती है कि बिल्कुल भिक्षु बन गए, वो अलग सोच है और वो अलग आपकी लाइफ ले जाती है सिर्फ आपको भगवान बुद्ध की तरफ। लेकिन एज अ रिलीजन इफ यू टॉक अबाउट इट, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ, वॉट नॉट टू से, टू अवॉइड द सिंस इन लाइफ, दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रिलीजन। हम इसमें इट इज़ मोर स्पिरिचुअल दैन रिलीजियस, दैट इज़ वाई अगर इस रिलीजन के नाम पर अगर हम भिक्षु को भी ले आए तो वो भी यही कहेंगे कि एक्चुअली गौतम बुद्ध ने सिर्फ 3-4 चीज़ें बोली हैं जिसको हमने प्रचार करना है। इट इज़ नॉट कि तुमने ये कपड़े पहने हैं, तुमने वो कलर पहनना है, तुमने आज फलाना नहीं खाना, तुमने ये सारी चीज़ें दूसरे धर्म की जिसको कहते हैं ना ओवर पावर करता है, तो हमें लगता है दैट हमारा धर्म पीछे है, विच इज़ नॉट द केस। वी आर डिफरेंट एंड दैट इज़ एक्चुअली द केस। वी आर वेरी डिफरेंट। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिज्म इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ वॉट इट शुड बी। कहने का मतलब मैडम ये है कि जो 22 प्रतिज्ञा है उनमें से कुछ प्रतिज्ञा मान ली जाए तो उससे भी उद्धार हो सकता है। मतलब जब बाबा साहब ने या भगवान गौतम बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञा थी उनको अगर हम एम्पलीफाई करें, उन्हीं को हमने एक्चुअली अपनी ईगो को कर्व करके आगे बढ़ना है। इट इज़ एक्चुअली उन्होंने जितने स्टेप्स दिए ना बड़े सिंपल हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव सो मच ईगो एंड वी हैव सो मेनी चैलेंजेस कि हम करना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते उसका मैं उसके लिए तो अलग ही डिस्कशन है, क्यों नहीं करना चाहती दुनिया। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू वन थिंग दैट अगर ये नहीं हो पाया, अगर हम 1, 2, 3 उनकी अगर 10 उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं, अगर हम उसमें 2 भी ना कर पाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू डू समथिंग। हमारे पास एक दिन आता है, आप समझिए कि हम सब लोग बैठते हैं, 1 day टू सेलिब्रेट, बट द रेस्ट ऑफ द डेज हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। मंडे है, आज मंडे होता, सब लोग काम पे जाते, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बट आज एक दिन है टू सेलिब्रेट एंड टू एक्चुअली गो विद इन। एक दिन मिलता है जो भगवान बुद्ध के नाम पे, वैसे तो हर रोज करना चाहिए भगवान बुद्ध के नाम पे, लेकिन हमें एक दिन मिलता है तो हम उसमें भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर आज भी कोशिश ना करें और आज भी हम वीडियोज में लगे रहे और आज भी फोटोज में लगे रहे तो फिर कोई क्या फायदा है? हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या भगवान को दिखाने के लिए कर रहे हैं? फिर वही वाली बात है, ही डिडंट वांट टू सी इट। वो तो अपने ऊपर काम करना चाहते थे। उन्होंने क्यों छोड़ा अपना राजा, वो राजमहल क्यों छोड़ा? बिकॉज उनको वो समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन देयर बी सो मच पॉवर्टी एंड हाउ कैन समबडी बी सो मिजरेबल, उनको वो नहीं सहा जा रहा था। तो अगर वो छोड़ सकता है तो हम एक छोटी सी चीज़ क्यों नहीं छोड़ सकते? फ़ोन तो एक बहुत बेसिक है, इट इज़ बेसिक, बट हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है अपनी ज़िंदगी में। स्मॉल थिंग्स हमने इंपॉर्टेंस दे रखी है और बड़ी चीज़ों को हम भूल चुके हैं। रियलिटी ये है। मैडम एक यहाँ भी देखा जाता है कि जो और जो धर्म है उनको सरकार भी काफ़ी ऐड देती है और तरह तरह से अपना प्रचार करती है, लेकिन हमारा जो धर्म है उसको सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। आई एम नोबडी टू ब्लेम द गवर्नमेंट और हैव एन ओपिनियन ऑन एनी अदर रिलीजन। आई शुड नॉट एंड आई वुड नॉट, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाइट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अ फाइट अबाउट योर सेल्फ। दिस इज़ नॉट कि आई से कि योर रिलीजन इज़ बैड, माई रिलीजन इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड, यू हैव मेड सो मच प्रोग्रेस। अब वो प्रोग्रेस फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से वो प्रोग्रेस नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से। वो प्रोग्रेस क्या है? अगर आपको लगता है कि वो ऐड मिल गया या उनको फंड्स मिल गए तो वो आगे बढ़ गए, लेकिन उसमें से निकल क्या रहा है आप मेरे को बताएंगे? उसमें से निकल क्या रहा है? उसमें से क्या निकल रहा है? उसमें आपके जितने लोग हैं दे आर ऑल करप्ट,
जितने लोग हैं दे आर गेटिंग इनफ मनी, राइट, वो सारा फंड्स कहाँ जा रहा है, किस चीज़ की उन्नति हो रही है? लोगों का दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है, पुराने ज़माने के ख्यालात में। आप ये नहीं पहन सकते, आप फलाना नहीं खा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, इसको छू नहीं सकते, व्हाट्स द पॉइंट? आर रिलीजन हैज़ नथिंग लाइक दैट, दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ देर इज़ अ डिफरेंस, अब डिफरेंस है तो है, तो उसमें मैं उसको ज़बरदस्ती उसको क्राउड में क्यों डालूँ? हम अलग खड़े हैं यार, बुद्धिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो लेट इट बी, उसको एक सैंक्टिटी मिल जाती है अपनी, उसको अब अपनी पहचान मिल जाती है, उसको अलग ही रहने दीजिए। दैट इज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, नथिंग टू डू विद अदर रिलीजंस। अच्छा मैडम, इसमें देखा गया है कि जब जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बुद्धिज्म होता है, वो अपने तक सीमित रहता है, लेकिन दूसरों को नहीं हम गाइड कर पाते। अगर दूसरों को गाइड कर पाते तो आज हमारा धर्म बहुत आगे होता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग अपने धर्म में इतने अटके हुए हैं ना, कि सब लोगों को वो चीज़ें भुलवानी, वो ये नहीं है कि वो नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि हम जो कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे और आपके रास्ते एक्चुअली एक है, लेकिन वो अपने रास्तों में ही इतने अटके हुए हैं कि वो हमारे रास्ते नहीं अपना सकते, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं उनको भी अगर लेके चलूँ तो वही वाली बात होगी, वो बोलेंगे नहीं यहाँ पे जब तक यू नो, जैसे हिंदू की बात करती हूँ, उनको मंदिर चाहिए, आप समझ रहे हैं, उनको घंटी, उनको मंजीरा, उनको ये सारी भजन भजन सब कुछ ही, तो उसमें ये डिफरेंस है हमारे बीच में। तो उनको ज़बरदस्ती लेके आऊँ और वो बोले कि नहीं मेरे को इसमें मज़ा नहीं आया, फिर तो देयर इज नो पॉइंट ना, आई कैन नॉट पुश समबडी, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, नाउ विद इन इट हैज़ टू कम। अगर उनको समझ आती है ग्रेट, आई कैन नॉट पुश एनीबडी फॉर एनी रिलीजन, नो। मैडम आप ये धर्म से संबंधित क्या अपील करना चाहती हैं आवाम से? आई वुड नॉट लाइक टू अपील एनीथिंग एज पर रिलीजियस, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीबडी दैट whatever religion you follow, whatever sect you follow, whatever caste you are, it doesn't matter, as long as you do it with sincerity, hats off. अगर कर सकते हो 5 मिनट करो, ये नहीं पढ़ रहे हो घंटी बज रही है उधर जाना है चाय पीना है दूध उबल रहा है, नो नो नो, 5 मिनट भगवान से तुम अगर दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो ये ढोंग मत करो किसी भी रिलीजन में। आई एम नॉट सेइंग, इधर भी हमारे पास बहुत लोग ऐसे आए हैं जो बहुत अपने वीडियोज़ में ही लगे, वीडियोज़ में ही लगे रहे सर, मेरे को मतलब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, बिकॉज अगर हम किसी को बुला रहे हैं, हम भंतों को बुला रहे हैं, हम उनकी पूजा सुनने के लिए आ रहे हैं, हम उनकी श्रद्धा में सुनने के लिए आ रहे हैं, जो हमें नहीं पता, अब उनके पास जो प्रेयर्स हैं वो हमारे पास नहीं है, तो एटलीस्ट उसमें हमें रहना तो चाहिए, उस शरण में रहना भी तो चाहिए, नहीं उसमें हम लगे हुए हैं। सो इट इज़ समथिंग एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू मेक हिज ओन एफर्ट। आई विल नॉट से कि दूसरे ने करना है, किसी और ने करना, नो नो, आपने खुद ही करना है। उस पर मैं यही कहूँगी, अगर 5 मिनट सिंसेरिटी कर लो, वेल एंड गुड।